दोनों को जब हम कंट्रोल की के साथ सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये हाईलाइट हो जाता है। हाईलाइट होने पर हमें ऑप्शन मिलता है ग्रुप का, और जब इसे हम ग्रुप कर लेते हैं तो इन्हें अनग्रुप करने का ऑप्शन मिलता है। ग्रुप के द्वारा हम जो भी फॉर्मेटिंग एक में करेंगे वो दोनों में होंगी, क्योंकि अब उनका ग्रुप बन चुका होता है। यहाँ से आप इसे रोटेट कर सकते हैं, जिस पे आपका सिलेक्शन होगा वो रोटेट हो जाएगी जितनी डिग्री में आपको लेना हो, 90 डिग्री में वर्टिकली, राइट 90 डिग्री में। यहाँ से क्रॉप है, डायरेक्ट क्रॉप करना है जैसे फोन में करते हैं वैसे कर सकते हैं, और अगर शेप के अकॉर्डिंग कुछ क्रॉप करना है तो हम यहाँ से शेप के अकॉर्डिंग क्रॉप कर लेंगे। अभी क्या है, ग्रुप है इसलिए दोनों में साथ में हो रही है, हम इसे अनग्रुप कर देते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी अलग शेप देंगे वो केवल इसमें अप्लाई होगी। इस प्रकार से आप इसे किसी भी शेप के अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकते हैं। इससे इसकी हाइट बढ़ेगी और इससे विड्थ बढ़ जाएगी, लंबाई और चौड़ाई जितना आपको रखनी है। स्क्रीनशॉट के बाद ऑप्शन आता है एड इंस, इसमें एमएस वर्ड के एप्स होते हैं ना वो आपको ऑनलाइन मिलते हैं। अभी हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ये, जब अगर हम इसमें साइन इन करके इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ते हैं तो अगर हमें और ऑफ ऐप चाहिए इसमें, मतलब कोई भी अलग से कोई ऐप चाहिए जिससे हम इसको और अच्छा सा परफेक्ट बना सकते हैं, तो वो ऐप हमें यहाँ से मिलती है, ये स्टोर से और ये माई ऐप से। तो जहाँ से आपको सिलेक्ट करें, अभी तो करते नहीं है इसलिए इसे बताते भी नहीं है और इसका यूज़ भी नहीं करते, क्योंकि अभी हम बिना साइन इन के ऑफलाइन पढ़ते हैं, क्योंकि एजुकेशन मोड में तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं रहती। फिर जब कभी वर्क करें और हम साइन इन करते हैं, कंपनी का साइन इन होगा उसकी, उस टाइम पर अगर कुछ ज़रूरत हो तो यहाँ से ऐप वगैरह ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो, इसे हटा देते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे बैक स्पेस कर देंगे, ये रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन वीडियो जैसे आप ऑनलाइन पिक्चर वगैरह लेते हैं वैसे ही आप यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो ले लेंगे। आपको यहाँ से जो भी पिक्चर लेनी हो, आप उस पर वो वीडियो लेनी है, आप वो वीडियो सेलेक्ट कर लें, वीडियो सेलेक्ट करके और यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दें, वो वीडियो आपके एमएस वर्ड पर आ जाएगी और फिर आप इसे प्ले भी कर सकते हैं। अब ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन जो अभी पढ़े थे पूरे इसमें आ गए, जो ऑनलाइन पिक्चर, ऑफलाइन पिक्चर और शेप में आ रहे थे ये सारे इसमें आ गए। अगर आपको अपने इसमें भी बॉर्डर रखनी तो आप इसमें बॉर्डर रख सकते हैं, आप इसको प्ले हो जाती है, आप इस पर प्ले कर लेना, ये फुल उस पर आ जाएगी विंडो में और ये चल भी जाएगी। नीचे तो चल जाएगी, नीचे चला लेना, बिल्कुल देर नहीं लगती है। नीचे चला लेना, बिल्कुल चल जाएगी, 1 सेकंड भी लेट नहीं करती है। चलने पे क्या होगा, फुल स्क्रीन पे आ जाएगी। अगर आपको इससे बाहर जाना है तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड में फर्स्ट की होती है एस्केप की, इस पर लिखा होता है ESC, इसे प्रेस कर देंगे, यहाँ पे एम एस वर्ड की ये वाली है ना ये विंडो आ जाएगी। वरना क्या होता है, जब हम इसे प्ले करते हैं तो ये इस टाइम पे फुल विंडो में रहती है, और एस्केप करने पे ये यहाँ से हट जाएगी। और ये इससे आप वही सारे ऑप्शन है जो आपको पिक्चर्स में मिलते हैं, और ये भी सारे वही ऑप्शन है, आ जाएगा इसका। केवल आपको क्या करना है, ऑनलाइन वीडियो पे जाना है यहाँ पे, और आपको जो भी वीडियो सर्च करनी है वो आप यहाँ पे सर्च करेंगे। अगर और कहीं वेब वीडियो वगैरह एम्बेड कोड से कहीं से लेनी है तो डाल सकते हैं, वरना यूट्यूब से डायरेक्ट यहाँ पे सर्च हो जाएगी, आपके सामने रिजल्ट शो होगा। आपको जो भी वीडियो सेलेक्ट करनी है आप चाहिए वो आप सेलेक्ट करके इंसर्ट पर क्लिक कर दें, वो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर वर्ड की इस पेज पर आ जाएगी, आ जाएगा इतना। इसके बाद है लिंक्स वाला ग्रुप। लिंक्स ग्रुप में आपको 3 ऑप्शन मिलती है, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। हाइपरलिंक क्या होता है, जब भी आपको किसी वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट अटैच करके रखना होता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे हाइपरलिंक से अटैच कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी स्कूल वगैरह में वर्क कर रहे हैं और हमें बच्चे के नाम के साथ उसका पूरा डेटा ऐड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के नाम पर हाइपरलिंक से अटैच कर देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट हम उसमें अटैच करेंगे, जैसे ही हम कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक करेंगे, बच्चे का जितना भी हमने डेटा उसमें टैच करा था वो सारा ओपन हो जाएगा। करके देखते हैं, पहले तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लेते हैं, इक्वल लगाएंगे, RAND रैंड, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने से क्या होगा, हमारे सामने टेक्स्ट आ जाएगा।
एक और फॉर्मूला क्या था टैक्स लाने का? तीन बताए थे मैंने, लॉरम। इक्वल लगाएंगे, लॉरम लिखेंगे, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे, आ जाएगा। एक और इक्वल लगाएंगे, रेंट लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, ओल्ड, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन और शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। इन तीन प्रकार से हम क्या कर सकते थे, टैक्स ला सकते थे। अभी हमारे पास टैक्स आ चुका है। अब जैसे इसमें कहीं पे भी ये कोऑर्डिनेट वर्ड है, इसमें हमें हाइपरलिंक का टैक्स करनी है, तो जिस भी लाइन क्या कह रहे हैं, मुझे लाइन नहीं किसकी लाइन? पैराग्राफ तीन तीन दिख रही है मुझे तो। किसकी मुझे नहीं पता, तीस लाइन है। क्या करेंगे आप, ये जो आपका वर्ड्स लिखा है ना, यहाँ पे आपके वर्ड्स आएंगे टोटल, तो एक वर्ड काउंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, आप इस पर क्लिक कर देना, तो आपके सामने जितने भी इस पेज में आपने वर्ड्स या जो भी लाइन वगैरह पैराग्राफ आप लिए उसकी फुल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि पेज कितने थे, इसमें वर्ड कितने हैं, बिना स्पेस के कितने, स्पेस के साथ कितने हैं, पूरे पैराग्राफ कितने हैं और लाइन कितनी है, इस प्रकार से आ जाएगा। फिर आप इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे, कट कर देंगे, वो हट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट वर्ड में हमें कोई डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करना है। आप जिस भी वर्ड में आपको करना है आप उसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। हाइपरलिंक पर जाने के बाद हमारे सामने इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। हाइपरलिंक लगाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ के। अगर आप कंट्रोल के साथ के भी प्रेस करते हैं तो आपके हाइपरलिंक वाला ये बॉक्स ओपन हो जाता है, जिस भी वर्ड पे आपको करना है। अभी ये इसका इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। अभी आपको क्या कह रहा है कि आप लोकेशन सेलेक्ट कीजिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे है और आपको क्या अटैच करना है इससे। तो हम यहाँ पे ये डेप यही कर देते हैं। अभी आपको जो भी करना हो वो तो फिर आ ही जाएगा, जो भी हम करना होगा सिलेक्शन में, तो अभी हम यहाँ पे यही कर देते हैं। इसके बाद इस पे ओके पर क्लिक कर देंगे। ये वर्ड कैसा हो गया, अंडरलाइंड हो गया और ब्लू कलर में हो गया। अब क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये इसमें जो भी हमने डॉक्यूमेंट अटैच करा था वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। हम क्या करेंगे, कंट्रोल की दोनों साइड होती है उसे प्रेस करके रखेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से यस करेंगे, यस करने पर हमारे सामने वो ओपन हो जाएगा जो भी डॉक्यूमेंट हमने इस पर अटैच किया था, आ जाएगा। ये एक बार और बता देते हैं, जैसे ये लॉरम वर्ड है इसी को कर लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, कंट्रोल के करा है अभी, हाइपरलिंक पर नहीं कर, एक हाइपरलिंक से जाके आप ले सकते हैं और शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के। अभी हमने क्या करा, लॉरम को सिलेक्ट किया और कंट्रोल के प्रेस किया था। लास्ट टाइम जब हमने कोऑर्डिनेट वर्ड में दिया था तो हमने लिंक्स ग्रुप में जाकर हाइपरलिंक पर क्लिक करने से लाए थे, यहाँ पे कंट्रोल के से ले आए। इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन होता है। इसमें क्या करेंगे, आप जो भी आपको इसे अटैच करना है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। वो वर्ड क्या होता है, अंडरलाइन एंड हाईलाइट हो जाता है। जब आप उसे फर्स्ट टाइम पे ओपन करते हैं तो वो ब्लू कलर में रहता है, और जब आप उसे ओपन कर चुके होते हैं तो वो रेड अंडरलाइन में हो जाता है। जैसे आपको कोऑर्डिनेट वर्ड शो हो रहा है, ये कैसा हो चुका है, रेड हो चुका है, और ये अभी ब्लू है। आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कर देंगे। ये सिक्योरिटी कंट्रोल का नोटिस है कि क्या ये सेफ सेफ हो या नहीं हो, तो आप क्या इसको ओपन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे क्योंकि हमें उसे ओपन करना है। यस करने पे जो भी हमने इसमें अटैच किया था वो क्या होगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें कोई डेटा नहीं है, केवल एक्सेस को अटैच किया था। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसमें हाइपरलिंक से कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। ओपन करने के बाद एक बार आपका वर्ड कैसा हो जाता है, रेड कलर में और रेड अंडरलाइन में। आप इसे कितने भी बार ओपन कर सकते हैं कंट्रोल के साथ क्लिक से, आ जाएगा हाइपरलिंक। कोई डाउट